तो फिर बजरंग दल बैन क्यों? बजरंग बजरंग दल बजरंग बली के नाम से आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बजरंग बली ने दिखा दिया अभी किसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बजरंग बली का नारा लगाया और रिजल्ट आया तो बजरंग बली सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। और उन्होंने कर्नाटक ने दिखा दिया कि बजरंग बली किसके साथ हैं। बजरंग दल आप रखे रहो, बजरंग बली के रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन बजरंग दल बैन होने वाला है क्या छत्तीसगढ़ में? ये तो देखिए, एक राज्य ने घोषणा की है और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं आप। ये सवाल तो आपको कर्नाटक में पूछना था। आपने कहा ना आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्तर पे जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग राज्य के अलग अलग घोषणा पत्र है। राष्ट्रीय स्तर पे होगा तो उसके अलग घोषणा पत्र है। यदि छत्तीसगढ़ में होगा तो छत्तीसगढ़ के अपने घोषणा पत्र है। अब मैं मतलब जिन राज्यों में धान उत्पादन नहीं होता और वहां मैं बोलूंगा हम धान खरीदेंगे तो बात थोड़ी बनेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन होता है तो धान खरीदी होती है। अब मैं बोलूंगा, मैं ये कहूँ छत्तीसगढ़ में हम सेब की कीमत को इतना करते हैं तो यहाँ सेब का उत्पादन तो होता नहीं भाई, वो हिमाचल में होगा यार, या कश्मीर में होगा। लेकिन हमने ये सवाल इसलिए आपसे मुख्यमंत्री जी पूछा क्योंकि जब हमने ये पूछा कि क्या आप चेहरा होंगे 2023 का, तो आपने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया। नहीं, वो आप कॉन्फिडेंट थे। दोनों सवाल अलग अलग हैं भाई, दोनों सवाल को क्लब मत करिए और दोनों सवाल के उत्तर अलग अलग हैं। वैसे एक सवाल के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, है ना। सवाल एक है लेकिन उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो सवाल को क्लब मत करिए। अच्छा, फिर थोड़ा इसे घुमा के पूछ लेते हैं। मुस्लिम लीग को आपने कहा कि कार्य से पता चलता है कि आप सांप्रदायिक हैं। फिर एक चीज है, सुनिए, तो बजरंग दल की कार्य प्रणाली पे फिर बता दीजिए मैडम। एक चीज है, ये केरल तक के सीमित है मुस्लिम लीग। वहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन है वहाँ स्थानीय तौर पर। बजरंग दल सब जगह है। बजरंग दल के बारे में ये है कि जितने छटे हुए लोग हैं वही लोग आते हैं। जब लड़ाई झगड़ा करना होता तभी आते हैं। जब यहाँ किसी हमला करना है तब वो पहुँचते हैं, हिंसा करना है तब पहुँचते हैं। अरे बजरंग बली से बड़ा कोई ध्यान ही नहीं, बजरंग बली से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, बजरंग बली से बड़ा कोई भक्त नहीं और उससे बड़ा कोई बलशाली नहीं। तो बजरंग बली वो हैं और जिस नाम से आप रखे हो उनका कृत्य देखो ना, वहां ज्ञान है न बल है न ध्यान है न भक्ति है, तो आप में समानता कहाँ है?